एमजीबी डिजिटल इंडिया। साउथ की लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली एक्ट्रेस नयनतारा इस साल अपनी शादी और दो जुड़वा बच्चों को लेकर काफी चर्चा में रही हैं। शादी के 5 महीने बाद ही दोनों ने अपने पेरेंट्स बनने की खबर से सभी को हैरान कर दिया था। अभी हाल में ही नयनतारा उनके पति विग्नेश के साथ अपकमिंग हॉरर फिल्म कनेक्ट की स्क्रीनिंग में पहुंची। शादी और पेरेंट्स बनने के बाद ये पहला मौका था जब दोनों एक साथ मीडिया से मुखातिब हुए। फिल्म की स्क्रीनिंग से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें नयनतारा इवेंट के दौरान फैंस की भारी भीड़ के बीच घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद वीडियो में नयनतारा फैंस की भीड़ से बचने के लिए भागते हुए नजर आ रही हैं। नयनतारा स्क्रीनिंग में अपने पति विग्नेश के साथ पहुंची थी। वो स्क्रीनिंग के लिए जैसे ही थिएटर में दाखिल हुई सभी की निगाहें उन पर टिक गई और कैमरों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि बाद में वो सुरक्षित जगह पर पहुंचने में सफल रही। आपको बता दें कि कनेक्ट मूवी 22 दिसंबर यानी कि आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। हॉरर जॉनर की इस फिल्म का स्पाइन चिलिंग ट्रेलर इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म को अश्विन सर्वानंद ने डायरेक्ट किया है। इसमें नयनतारा अनुपम खेर अहम भूमिका में है। ये तमिल की पहली फिल्म है जो सिनेमाघरों में बिना इंटरवल के रिलीज की गई है। फिल्म को नयनतारा के पति विग्नेश शिवन ने ही प्रोड्यूस किया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मनोरंजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल MGB डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें।